focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. हमारा रोल थोड़ा सा सीक्रेट है, उसको अभी सीक्रेट ही रहने दीजिए. ये मिश्रा जी के थ्रू हमारे पास ऑफर हुई है. जैसे हमारी पहली बायो पिक्चर आ रही है तो उसके रिगार्डिंग एक यू नो एक बेस बन जाता है कि लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं. ऐसे ही धीरे धीरे हम लोगों से जुड़े, लोगों से मिले. नीरज जी ने हमें मिश्रा जी से, दीपक जी से मिलवाया, तो ऐसे ही लिंक बनते चले गए. फिर मिश्रा जी ने हमें स्टोरी बताई और स्क्रिप्ट सुनाई, हमें अच्छी लगी. रियल बेस्ड स्टोरी है, अच्छी है. इस मूवी की टीम हमें याद रहेगी, बहुत अच्छी टीम है. हमारी दोनों मूवीज़ की टीम बहुत अच्छी है. उज़्मा की टीम भी बहुत अच्छी है और काशी टू कश्मीर की टीम भी बहुत अच्छी है. बाकी आप भी तो जर्नी काफ़ी बाकी है. 30% हमारा कंप्लीट हुआ है, 70% बाकी है. हाँ, ये मूवी ज़रूर देखिए. बहुत अच्छा मैसेज है, सोशल मैसेज है और एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है. तो मैं दर्शकों से ये विनती करूंगी कि ये मूवी ज़रूर देखें. काशी टू कश्मीर इस फिल्म का नाम ये कहाँ से आपके दिमाग में आया, इसके बारे में बताओ. जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसा कि टाइटल इटसेल्फ ये बता रहा है कि काशी टू कश्मीर, हम लोगों ने जो मुद्दा लिया है, जो 90 के दशकों में जो कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ था, तो उनको ही केंद्रित करके हम लोगों ने इस फिल्म का निर्माण किया है. और उनके मर्म को, उनके दुख को, कैसे वो आज वो कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें विस्थापन के बाद किन किन चीज़ों से वो गुजरे हैं, इन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने प्रदर्शित करने की कोशिश की है अपने काशी टू कश्मीर में. ठीक है. उज़्मा जी को कास्ट करने का आइडिया, मतलब हम लोगों ने देखा कि वो उन्होंने अपना जो है कि इंटरेस्ट दिखाया एक्टिंग के लिए. और हालांकि जो उनका व्यक्तिगत पहलू है ये अलग चीज़ें हैं, बट जो उनका ये कैरियर वाइज अगर हम उनका देखें तो उन्हें भी इंटरेस्ट था कि हाँ हम अभिनय में वो कुछ कर सके. तो हम लोगों ने उस चीज़ को इसमें हम लोगों ने जो है कि जोड़ने की कोशिश की है कि अभिनय के थ्रू वो जो है इस फिल्म में अपना एक और पहलू पूरे देशवासियों को दिखा सके. हाँ जी, ये इसकी कश्मीर की शूटिंग हो चुकी है ऑलरेडी. और झील हो गई, अनंतनाग हो गया, शंकराचार्य मंदिर हो गए, आपका मठ हो गए, अनंतनाग हो गए, कुपवाड़ा हो गए, जम्मू रेलवे स्टेशन हो गया, लाल चौक हो गया, इन आदि जगहों पे हो चुके हैं. शूटिंग ये चलेगी आपकी अप्रैल तक. कब तक फिल्म आने की है? ये आएगी आपकी अक्टूबर तक. अक्टूबर तक. फिल्म को बनाने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, कश्मीरी पंडितों से आपने लिया इसके लिए? देखिए, कहते हैं ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बट इस फिल्म में एक चीज़ ये दिखाई गई है कि ऐसा धर्म में क्या है जो लोगों इतना उत्पात हो जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको ये नहीं दिखता है कि हम पहले धर्म से पहले हम एक इंसान हैं एटलीस्ट. और जैसा बताया कि उज़्मा जी एक्टिंग के साथ साथ एक ये भी था कि उज़्मा जी आज की डेट में कह सकते हैं कि उस फील्ड से हैं, उस कौम से बिलोंग कर रही हैं. इतना हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, धर्म कुछ नहीं होता है इसमें, ये चीज़ दिखाई गई है, न कि एक पर्टिकुलर एक धर्म को हमने नीचा दिखाया हुआ है और सारी चीज़ें. लेकिन ये मुद्दा वो मुद्दा भी रहा है जिसमें भारतीय राजनीति बहुत ज़्यादा हावी रही है. एग्जैक्टली. उसको दिखाने की आपने कोशिश करी है कि राजनीति से किस तरह से प्रेरित रहा है? देखिए, राजनीति हमेशा, कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है आज की डेट में, देखिए अगर राजनीति हमेशा होती ही आ रही है, आज की डेट तक हो रही है उस पर, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो मुद्दा सॉल्व हो, या अगर चाहें तो हो जाए, बट एक कहते हैं ना कि हमारा एक प्रयास है खाली कि चीज़ें ना कम से कम लोगों को एक्चुअल सिनेरियो पता चले कि भाई ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं अगर हम करना चाहेंगे. एक धर्म से पहले सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं. हम लोगों ने सकारात्मक पहलू को उजागर करने की कोशिश की है. ठीक है, बहुत उम्मीदें हैं. ये एक थीम बेस्ड मूवी है और जो हम लोगों का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए एक सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए हम लोगों ने इस फिल्म पे काम किया है. इस फिल्मों की बहुत सारे अनछुए पहलू भी हैं समाज के अंदर की, जो कि देशवासियों को देखने को, समझने को मिलेगा, बेसिकली कश्मीरी पंडितों के ऊपर. बिल्कुल, मैं चाहूँगा सरकार और हमारा समाज और सभी लोग इस फिल्म को प्रमोट करें, सहयोग करें, और विरोध करने के बजाय
इस फिल्म का एक सकारात्मक जो सोच के साथ ना लोगों इसको सपोर्ट करें, विरोध की नहीं, सपोर्ट की ज़रूरत है इस फिल्म को। और मैं सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस फिल्म को भारतवर्ष में टैक्स फ्री किया जाए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे और हम अपने देश के अंदर जूझ रही समस्या और उसके समाधानों से अवगत हो सकें। जी जी, नया ये कह सकते हैं कि अभी तक जो भी फिल्में बनी हैं कश्मीर के मुद्दे पर वो एक कमर्शियल फिल्में रही हैं, उसमें कोई हीरोइन रही है, कोई हीरो रहा है, उसका कोई अफेयर रहा है। मैंने पहली बार इसमें रिसर्च करने के बाद इसकी समस्या की गहराई तक जाने की कोशिश की है कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल प्लानिंग है जो कश्मीर में जो भी हो रहा है, वहाँ की युवाओं के साथ जो हो रहा है, उनको जो भटकाया जा रहा है उसके पीछे लॉजिक क्या है, या पाकिस्तान की जो अपनी साजिश है वो क्या है, उन चीज़ों को मैं लोगों तक पहुंचाने की और उसका समाधान बताने की भी कोशिश की है इस फिल्म के माध्यम से। यही नई बात है और ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। थैंक यू।